स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपसी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू ने। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे साथ राहत पैकेज मांगने वाली दिल्ली चलो हौसला नहीं है तो हमसे लो, अधिकार लेने के लिए डरो मत। सदन में सीएम सुक्खू ने जयराम पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सीधे बोले कि हमको दिल्ली जाने के लिए डर लगता है, हम बात नहीं कर सकते, जब तक विशेष पैकेज नहीं आया तो कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली, हम अपने स्तर पर पैकेज देंगे, आपका दायित्व है कि केंद्र से विशेष पैकेज मांगे, आप डबल इंजन सरकार की बात करते थे, ये आपदा भुज भूकंप केदारनाथ आपदा और जोशीमठ त्रासदी से भी बड़ी है। आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि नेशनल डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है भाई, आप सीधा बोलिए कि हम नहीं कर सकते हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, हमको राजनीति करनी है, हमको दिल्ली जाने से डर लगता है, हम बात ही भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों एक हमने इसलिए आपसे कहा है, मैं आज इस मंच पर ये कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल के लोगों के लिए अपनी तरफ से स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएंगे। आज किस स्थिति में है हिमाचल प्रदेश? आज उस स्थिति में है कि हर एक परिवार के घर को हमने बसाना है, हर एक को सड़क सुविधा से जोड़ना है, उसके लिए क्या जरूरत है? राष्ट्रीय आपदा घोषित होगी और हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा, हम और आप लोग राजनीतिक जीवन में है उन सड़कों को दुरुस्त करेंगे। आप इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और संकल्प में इसमें आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कीजिए और ये भी कहिए कि केंद्र सरकार स्पेशल रिलीफ पैकेज रिलीज करे, ये आपका दायित्व बनता है। आप क्या कह रहे, इन्होंने कहा कि कुछ और केंद्रीय सहायता की मदद की, ये स्पेशल रिलीफ में कई नॉर्म्स होते हैं जिसको ओवररूल किया जाता, अगर नहीं पता है तो पूछ लेना आपने। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल के लोग नहीं हमारे साथ खड़े हुए हैं, हिमाचल के युवा नहीं खड़े हुए हैं, हिमाचल के बच्चे नहीं हमको दान कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ नहीं खड़ा होना चाहती, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है, हम एक एक पैसा एक एक चीज हम उनको देंगे जो आपदा प्रभावित परिवार है। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी आपदा प्रभावित परिवार नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, उस क्षेत्र के अधिकारी के भी सरकार एक्शन लेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। यहाँ पर एक नेता ने किसी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाकर के बात करना चाह रहे हैं, हम उनको लेकर के जाएंगे, हम उनको जहां से लेकर के जाएंगे, अरे हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं, फैक्स नहीं, फैक्स यही तो गड़बड़ है ना, फैक्स आपने तोड़े हैं तो वो तो दुरुस्त करने पड़ेंगे। मगर तो बताइए माननीय मुख्यमंत्री 2005 में पाड़चू में उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्या मिला जरा मालूम करो। अच्छा आप बताएंगे मिला तो कुछ नहीं मिला, ना के बराबर मिला है। 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, 15,000 रुपए, ये जमीनी हकीकत है, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए, कब तक झूठ बोलेंगे। और मुझे बहुत विचित्र लगा, आप एक कंक्लेव में गए दिल्ली एक चैनल की, और उसमें मैंने जिक्र नहीं करना, चैनल का जिक्र काहे को करना, हमने हमारा सभी के प्रति सम्मान, आप वहां पर खूब बोले क्या बोले, 24 घंटे के अंदर मैंने 75,000 जो है वो जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आए थे उनको निकाल दिया, 24 घंटे के हमने टोटल रोड्स को क्लियर कर दिया। और इनके जो टुच्चे जिनको लोग में शब्द उचित लग रहा है, मुझे कार्यवाही रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप देख ले, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए और छोटे छोटे लोग, अरे भाई छोड़िए कुछ भी लोग, ये शब्द कोई अनपार्लियामेंट नहीं है ये। अच्छा वहां पर, अरे भाई बैठिए ना आप, बैठिए हाँ जी। फिर वहां पर जांच के आदेश कर दिए, और जांच नया दौर, जांच के आदेश कर दिए। हमारे यहां तो जांच की रिपोर्ट भी आगे पढ़ लेना आपने, क्या रिपोर्ट आई है वो। अरे पूरे प्रदेश में आप जाओ वहां पर, मनाली का पूरा आलू मैदान जो है पेड़ों से भरा पड़ा।